दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लाइक किसी दुकान में या मजदूरी वगैरह करते हैं, तो खासकर उन लोगों के लिए है। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको पता होगा कि हम नॉर्मली ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे आपको PF की जानकारी मिले, नौकरी से संबंधित जानकारी मिले, नौकरी करने के नियम, नौकरी से निकालने के नियम वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि आपके ईमेल्स के बिहाफ पे हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे मेल्स ऐसे आए हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम एक एक करके करेंगे। और इस सेगमेंट का नाम दिया है हमने ज़रूरी बात। तो आज की इसमें जो ज़रूरी बात हमने आपसे शेयर करनी है उस पर आएंगे। दोस्तों, समाज में हर किस्म के, हर वर्ग के लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। वर्ग से मेरा मतलब है अर्निंग के हिसाब से बांटा है मैंने इसमें। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो लोग कम अर्न कर रहे हैं, 10, 20, 30 हज़ार, जो 50, 60 हज़ार, जो लाख से भी ऊपर कर रहे हैं, वो लोग भी इसको देखें। तो दोस्तों, मेल पे हमें पूछा गया था, लोग जानना चाह रहे हैं कि जो पैसा वो कमा रहे हैं, जो अर्निंग हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सेव नहीं कर पाते, सेव करने के लिए हमें कुछ आइडियाज़ चाहिए, या कुछ कह रहे हैं कि हम उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। लास्ट में आपको एक चीज़ और बताऊंगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी ये वीडियो। सबसे पहले वो लोग जो लाख या उससे ऊपर अर्न कर रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे लोगों को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। उनको पता होता है कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनके पास फ्रीडम होती है, बिकॉज वो अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट, कहीं पर भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे आते हैं दोस्तों, जो लोग 50,000 एंड 1 लाख के बीच में अर्न कर रहे हैं, तो इनका भी डिपेंड करता है फैमिली बैकग्राउंड या उनके खर्चे कैसे हैं। अगर वो लोग ठीक ठाक सेव कर लेते हैं तो उनके पास भी ऑप्शन रहते हैं, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह, कहीं पे भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेनली ऐसे जो इस वर्ग में जो लोग आते हैं, उनका फोकस होता है अपना टैक्स सेविंग का। तो टैक्स सेविंग के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि आप PPF अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसमें टैक्स में छूट मिलती है, या फिर NSC होती है पोस्ट ऑफिस में, आप NSC खरीद सकते हैं, उसमें भी टैक्स में छूट मिलती है। और अगर आपकी छोटी कन्या है, बेटी है 10 साल से छोटी, तो आप उसका भी सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें भी आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर टैक्स में राहत मिलती है। तो आपका जो टोटल अर्निंग होती है, टैक्सेबल अर्निंग होती है, उसमें से वो अमाउंट लेस हो जाता है, ठीक है। अब वो लोग जो 30,000, 40,000, 50,000 के नीचे अर्न कर रहे हैं, वो क्या करें? तो दोस्तों, अभी क्या होता है कि जो लोग इस वर्ग में आते हैं, वो लोग पैसा कमा के कहाँ, उनको डाउट होता है कि कहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करें। तो सेम ये सब चीज़ें, ये ऑप्शन आपके लिए भी खुले हैं, आप PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। और सेविंग अकाउंट में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, उसमें इंटरेस्ट अभी बहुत कम मिल रहा है। आपको पता होगा कहीं कहीं किसी किसी बैंक में 3%, 4%, 3% तो जो ये इंटरेस्ट रेट है बहुत कम है, और जो महंगाई की दर है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो बैंक में पैसा रखना, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना आजकल कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा ज़्यादा ना रखा जाए। बट हाँ, ये भी है कि हमारे पास एट एनी टाइम इतने पैसे होने चाहिए कि कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको यूज़ कर सकें। 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये इतने अकाउंट्स में होने चाहिए। तो अगर इतना आपके पास, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं सेविंग अकाउंट में, तो आप एक काम कर सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इस पर बहुत कम मिल रहा है। तो जो ज़रूरी बात, जो मेन फोकस है इस वीडियो का, वो यही है कि सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास ये पैसा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, या फिर अपने बैंक में जाके भी अपने जो बैंक मैनेजर है या जो बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं उनसे बात करके, आपका जो सेविंग अकाउंट है इसी में आप EFD कर सकते हैं। नॉर्मली आप FD करते हैं तो उसमें क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, आपका एक अमाउंट सर्टेन टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। बट अभी ये फैसिलिटी आपके पास है, आपके पास अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में ही आप EFD कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके अकाउंट में सर्टेन कुछ अमाउंट है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो आप उसमें से कुछ अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, लाइक 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, उसकी आप EFD कर सकते हैं।
काफ़ी फ्लैक्चुएट होती है दोस्तों। अगर आपके अकाउंट में आपको पैसा निकालना है और वो एक अमाउंट उससे लेस जा रहा है तो आप उसको FD को तोड़वा भी सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाती है। तो जितने टाइम के लिए वो अमाउंट आपने मेंटेन किया होगा उतने टाइम का आपको उस पर FD का इंटरेस्ट आता है। तो मतलब बहुत अच्छी सुविधा है ये। इनकेस अगर आप भी अपने अकाउंट में इतना पैसा लेके चलते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए की कभी अचानक में ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको EFD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज उसका EFD में कन्वर्ट कर लीजिए, बाकी के अकाउंट अमाउंट का आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट आएगा 3% या 4% जो भी है, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप फिक्स करेंगे उस पर FD का आपको इंटरेस्ट मिला करेगा। तो सेविंग अकाउंट में पैसा रख के इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, उसका अगर आप EFD करते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिलता है, आपको उसमें जो इंटरेस्ट आएगा, जो पैसा आएगा वो अच्छा रिटर्न आएगा। ये था मेन गोल। अब वो लोग जो इससे कम अर्न कर रहे हैं, जो 10,000 15,000 20,000 अर्न कर रहे हैं और जो सोचते हैं कि यहाँ तो पैसा बचाना ही मुश्किल है तो 3 लाख 4 लाख अकाउंट में कहाँ से आएंगे, तो दोस्तों उन लोगों के लिए एडवाइज़ ये है, सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा तो होना चाहिए। इनकेस अगर आप सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं रख पा रहे हैं 3 लाख 4 लाख रुपए और आपका मेन फोकस ये है कि सेविंग कैसे करें, तो आपके लिए मेरे पास एक सलाह ये है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में आजकल सेविंग करना काफ़ी अच्छा समझा जा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस में ही आप RD ओपन कर सकते हैं। तो आप एक RD ओपन कर सकते हैं जिसमें अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं सेव कर पा रहे हैं मंथली, तो आप कुछ कम पैसा 500,000 की RD खोल सकते हैं। पर मंथ आपको उसमें पैसा जमा करना होता है, सेविंग अकाउंट्स से उस पर अच्छा इंटरेस्ट आता है और एक सर्टन टाइम ऑफ के बाद आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, आप टोटल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। लाइक 5 साल के आप कर सकते हैं RD, तो आप वो खुलवा लीजिए पोस्ट ऑफिस में। धीरे धीरे आपकी सेविंग भी होती रहेगी, पैसा भी बचता रहेगा, और अगर आप कम अमाउंट से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और 5 साल बाद आपको एक ठीक ठाक अमाउंट आपके हाथ में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की ज़रूरी बात, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सेविंग से रिलेटेड और भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें मेल करें, ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, इस पे आप मेल कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ शूट कीजिए हमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इसी चैनल पे बने रहिए दोस्तों। चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेविंग से रिलेटेड और FD NSC वगैरह को लेके, नौकरी से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, EPF से रिलेटेड, ऐसी और ज़रूरी बातों को लेके आपके सामने आएंगे। तो ये पहला एपिसोड था इसका, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।